सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें किसी पैसेंजर ट्रेन की नहीं है बल्कि देश की VVIP ट्रेन की है। अमूमन भारत में ये नजारा सामान्य मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में देखने को मिलता है, लेकिन खचाखच लोगों से भरा ये रिजर्व डब्बा लखनऊ और हरिद्वार के बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का है। यकीन नहीं होता ना, पर ये वाकई में हुआ है। लखनऊ टू हरिद्वार जाने वाली 22545 वंदे भारत ट्रेन में ये भीड़ यात्रियों की नहीं है बल्कि बे टिकट यात्रियों की है। ना सिर्फ ये लोग बे टिकट ट्रेन में चढ़े बल्कि रिजर्व डब्बे में जबरन सीट पर कब्जा करने की फिराक में भी नजर आए। ऐसा लग रहा है मानो वंदे भारत को इन लोगों ने जबरन हाईजैक कर लिया हो। हाल ही में ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वंदे भारत जैसी ट्रेन का ये नजारा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ये ट्वीट अर्चित नागर नामक व्यक्ति ने किया है। अर्चित नागर हैंडल से उसने ये किया और इस वायरल वीडियो में ट्रेन नंबर 22545 पर चढ़े कई यात्रियों को सीट ढूंढने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रेलवे के चेकिंग स्टाफ या फिर GRP और RPF के जवान क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं वो लोग और क्यों नहीं इस मनमानी को रोका गया। साथ ही जो पैसे खर्च करके इस ट्रेन में चढ़े उन यात्रियों का क्या, महंगे टिकट लेने के बावजूद कुछ लोगों को सीटें मिली ही नहीं, और अगर सीटें मिल भी गईं तो इस भीड़ में 7 घंटे का सफर बहुत मुश्किल से कट पाया। आपको बता दें कि लखनऊ और हरिद्वार के बीच चलने वाली ये ट्रेन हरिद्वार पहुंचने में लगभग 6 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। ये ट्रेन लखनऊ से सुबह 5:15 पर निकलती है और 12:10 पर हरिद्वार पहुँच जाती है। ये ट्रेन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को चलती है। ऐसा नहीं है कि हरिद्वार तक जाने वाली सिर्फ यही ट्रेन है, इसलिए यात्रियों के पास साधन का कोई और चारा नहीं है। समस्या वास्तव में लोगों के साथ है। एक तरफ वो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, दूसरी तरफ विकास का उपयोग मुफ्त में करना चाहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये लोग बड़ी संख्या में चलते हैं ताकि संख्या बल का फायदा उठा सकें। लोग झगड़े के डर से ऐसे लोगों से कुछ बोल ही नहीं पाते, इसलिए इनका मनोबल भी बढ़ता ही जा रहा है। ट्रेन के रिजर्व कोच में अनऑथराइज पैसेंजर घुसने का मामला अब वंदे भारत तक जा पहुंचा है। अब चाहे आप इसे गर्मी कह लें, बदमाशी कह लें, बिना टिकट AC कोच में घुसने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये यात्री AC में घुस जाते हैं और बाकी के स्लीपर डब्बे खाली पड़े रहते हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब ऐसा नजारा देखने को मिला। पिछले महीने ही दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस में फर्स्ट AC केबिन के पास रास्ता रोके बिना टिकट यात्रियों की तस्वीरें वायरल हुई। फोटो में यात्री 5 घंटे से अधिक समय तक बाथरूम के पास बैठे रहे। बीते 25 मई को ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस के AC 3 कोच में जनरल डब्बे के यात्रियों के बैठने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। कुछ का मानना है कि ये रेलवे की कुव्यवस्था का नतीजा है। लोकल ट्रेनें पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं और जो हैं वो समय पर चलती ही नहीं हैं। ऐसे में डेली पैसेंजर्स क्या करें? यही नहीं, जो ट्रेनें चलती हैं उनके जनरल कोच के डब्बे कम किए गए हैं। ऐसे में यात्री क्या करें? ऐसे में ट्रेन के रिजर्व कोच में यात्रा करना लोकल पैसेंजर की मजबूरी कही जा सकती है। इसको मजबूरी कहना गलत होगा, ये तो रेलवे को सीधे से बदनाम करने की साजिश है। सरकार ने पर्याप्त मात्रा में ट्रेनें चलाई हैं और अब तो गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए सरकार ने समर स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई हैं और डेली ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के पास ट्रेन पास होते हैं। फिर ऐसे जबरन VVIP ट्रेन में घुसने का क्या मतलब है? अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसा कुछ नज़ारा आपको दिखे तो हमें ज़रूर इसके बारे में जानकारी दीजिए, हमें शेयर कीजिए हमारे साथ वीडियो। हम आपकी खबर अपने चैनल पर दिखाएंगे। हमारा ID आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।